आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को ईयर टू डेट 133% के रिटर्न दिए हैं, मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक 133% तक के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी को 145 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो आज के इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, उस कंपनी के शेयर का नाम है रामाकृष्णा फोर्जिंग। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 605 रुपीस के आसपास जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब, और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर्स ने 1.25% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 7.2% से ग्रो कर चुकी है। अगर आप लोग 1 month की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 1 month में इस कंपनी के शेयर्स 26% से ग्रो कर चुके हैं, और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने 229% के रिटर्न्स दिए हैं, और अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स 400% से ग्रो कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर्स 26 रुपीज से लेकर 600 रुपीज तक के लेवल को टच कर चुके हैं। करंटली इस कंपनी का पीई रेशियो है 39.46 का और पीबी रेशियो है 9.08 का, और वहीं पर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज निकल कर आता है 0.08% का। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फोर्जिंग्स को मैन्युफैक्चर करती है, और इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू इसी सेगमेंट से निकल कर आता है। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये कंपनी के फंडामेंटल को स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 23 की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव में है। वहीं पर नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम की ग्रोथ भी काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का जो टोटल नेट इनकम है वो 20 करोड़ का था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी की नेट इनकम 122 करोड़ की हो चुकी थी। लेकिन वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात की जाए तो यहां पर कंपनी का जो नेट इनकम है वो 198 करोड़ तक पहुंच चुका था, मतलब सीधा 180 करोड़ के आसपास का डिफरेंस, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में से रिपोर्ट किया गया है 245 करोड़ के आसपास का, मतलब यहाँ पर भी 50 करोड़ की ग्रोथ। अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर के रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर का रेशियो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और तो और अगर आप लोग डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तब यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। इनकम स्टेटमेंट को लेकर 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री का एवरेज 14% का निकल कर आया है, लेकिन इस कंपनी का एवरेज जो है वो 16% का है। अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 19.65% का, लेकिन करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 21.88% का। लेकिन अगर आप लोग नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो नेट इनकम का रेशियो नेगेटिव निकल कर आया है, और यहाँ पर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडस्ट्री का एवरेज 58% का है, लेकिन इस कंपनी का निकल कर आता है 21% का, मतलब काफी बड़ा डाउनफॉल है। अगर आप लोग बैलेंस शीट के फिगर को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। कंपनी के करंट असेट्स और कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है। अगर आप टोटल ओवरऑल असेट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ओवरऑल असेट्स की वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है, लेकिन अगर आप लोग लायबिलिटीज को भी देखेंगे तो लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी थोड़ी बहुत बढ़ते जा रही है। वहीं पर अगर आप लोग करंट लायबिलिटी को देखेंगे तो करंट लायबिलिटी का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है और नॉन करंट लायबिलिटी का प्रोपोर्शन भी बढ़ते जा रहा है। देखो करंटली इस कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी की लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज कम होती है और दूसरी चीज बढ़ती है तब ऐसे कंडीशंस में कंपनी के शेयर्स में लॉसेस माने जाते हैं या प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर आप इक्विटी शेयर के नंबर को देखेंगे तो इक्विटी शेयर का नंबर थोड़ा बहुत कम हुआ है पिछले 3 सालों में, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है -31.16 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है -4.57 का, लेकिन वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 299 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है, मतलब यहाँ पर कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो फ्री कैश फ्लो का अमाउंट जो है वो नेगेटिव में है 259 का। अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखेंगे तो इस कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो कम है। इंडस्ट्री के सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके रेशियोज इससे ज्यादा हैं, मतलब कंपनी ओवरऑल ओवरवैल्यूड नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स में कंपनी के वोलेटिलिटी को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी की वोलेटिलिटी भी ज्यादा नहीं है। मार्केट के इस कैटेगरी में 2 कंपनीज और भी हैं जिसकी वोलेटिलिटी इस कंपनी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए फाइनेंशियल ट्रेंड और पीयर कंपैरिजन की तो यहाँ पर फिगर्स पॉजिटिव दिखाई देते हैं, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग को देख सकते हैं, 46.27% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, जिनमें
में से 2.81% प्लेस किए गए हैं। म्यूचुअल फंड ने 2.94% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.26% का। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 16% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 11.38% का और अदर पार्टीज ने 21.79% का इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,700 करोड़ के आसपास का। अगर इस कंपनी के रिस्क कैटेगरी की बात की जाए तो ये हाई रिस्क कैटेगरी वाली कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में 3.57x ज्यादा वोलेटाइल हैं। मतलब इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न कमाने को भी मिल सकते हैं। लेकिन करंटली इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास भी आ चुके हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करना है। इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस कैसी होती है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।